सो गाइज वेलकम बैक टू इंडियन टॉक, दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है स्कोडा कुशाक मैट एडिशन। ये लिमिटेड एडिशन है, 500 कार्स ही मैट एडिशन के अंदर आप लोगों को मिलेगी। तो आप चाहें तो आप इसे बुक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। 1 लीटर और 1.5 लीटर दोनों ही इंजन ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को मैट एडिशन में मिल जाते हैं। फिलहाल मेरे पास में टॉप ऑफ द लाइन मॉडल 1.5 लीटर DSG गियरबॉक्स के साथ में अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 19,39,000 रुपीज़ एक्स शोरूम है। इस गाड़ी में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं और चलाने में कैसी है, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मैट एडिशन है तो मैट कलर की ये जो पैंट फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम फील होती है, काफ़ी अच्छी लगती है, बट इसको मेंटेन करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क, थोड़ा सा टफ रहता है। नॉर्मल जो मेटलिक कलर आते हैं उनसे इसको मेंटेन करना होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वॉश करवा के आए, थोड़ा बहुत अगर पानी वगैरह रह गया तो यहाँ पर शायद आपको ये दिख रहा होगा, ये जो निशान है पानी वगैरह के वो रह जाते हैं, धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा इस पर चिपकती है। हाँ, साफ भी ये बहुत जल्दी होती है बट गंदी भी बहुत जल्दी होती है, तो ओवरऑल मेंटेनेंस थोड़ा सा आपको इससे ज़्यादा जो है वो लगेगा। देन उसके बाद में ये गाड़ी सिंपल सोबर लगती है, लाइक थ्रू आउट द टाइम जब आप इसको रखेंगे, परचेज करके आओगे तब से लेके जब तक आप इसको रखोगे ये वैसी ही लगने वाली है, ऐसा भी नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा नई लग रही है या पुरानी हो गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद में अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग मिल जाती है, हेलोजन के अंदर आप लोगों को फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, हाई बीम लो बीम आपको LED के अंदर मिलती है। ये जो अलॉय व्हील्स हैं इनका डिज़ाइन अब आप लोगों को लग सकता है कि यार ये क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर लुक जो है वो रखे गए हैं, बट अगेन ये जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स की वो थ्रू आउट द टाइम आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो अब कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड की अगर बात करें तो इस टाइप के अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप में अपन देखते आ रहे हैं कई से टाइम से ये गाड़ियाँ, जैसे ऑडी मर्सिडीज़ में भी एक टाइम पर इस टाइप के व्हील्स जो है वो आया करते थे अलॉय व्हील्स, और वो काफ़ी अच्छे लगते हैं अभी आज भी उन पुरानी गाड़ियों को देखते हैं। तो इन टायर साइज़ की बात करूं तो 205/55 R17 ये व्हील्स हैं, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर ORVM पे करा है, टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं यहाँ पर, पियानो ब्लैक फिनिश बी पिलर में है, काफ़ी बढ़िया क्रोम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, क्रोम डोर हैंडल पे भी यूज़ करा है, पियानो ब्लैक फिनिश डोर हैंडल पे भी है, ऊपर रूफ रेल शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, स्टॉप माउंट लैंप, वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, स्कोडा की ब्रांडिंग कुशाक, 3 पार्किंग सेंसर, पीछे कैमरा है 360 कैमरा आपको नहीं मिलता है, 1.5 लीटर DSI की ब्रांडिंग, इधर अगर आप देखोगे तो 385 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, 60-40 सीट जो है वो दी गई है, पार्शल ट्रे तीनों पैसेंजर रियर पैसेंजर के लिए, एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार बैठ के भी बता देता हूँ, मेरा कैमरा बैग जो है वो परेशान हो रहा है मुझसे बार बार, मैं इधर उधर कर रहा हूँ इसे। तो अगेन लेग रूम काफ़ी अच्छा है, नी रूम जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हैं आराम से, आपका फ़ोन मैं आपको रख के एक बार बताता हूँ, ये देखो कुछ इस टाइप से आप फ़ोन रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज में लगाना है चार्ज में लगा के फ़ोन यहाँ पर लगा सकते हैं आराम से, ऐसे भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पर मैगजीन होल्डर है, देन अगेन यहाँ पर भी मैगजीन होल्डर और फ़ोन होल्डर है, कप होल्डर हैं दो आपके पास में, आर्मरेस्ट काफ़ी बढ़िया है, ऊपर आपके पास में रीडिंग लैंप है, सनरूफ है, इधर भी कोट हुक हैंडल बार, इधर भी कोट हुक हैंडल बार, सिस्ट एयरबैग्स दिए गए हैं, AC और दो टाइप सी पोर्ट, दो लोग तो काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा पैसेंजर भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपके उससे व्यवहार अच्छे हैं तो, 1 लीटर बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल और 1 टच अप एंड डाउन फंक्शन आपको नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर विंडोज़ के लिए। 5-स्टार रेटिंग जो है वो मिली है गाड़ी को, तो अगेन जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो काफ़ी कमाल की आपको मिल जाती है। आगे अगर बात करें तो चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ORVM के लिए आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आपको हेडलाइट वगैरह जो है उन्हें कंट्रोल करना है, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट के एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलते हैं, इस चीज़ की कमी लगी। यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हेडलाइट आपको यहीं से सारी कंट्रोल करनी है। डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम सा जो है वो फील होता है, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, लेदर एप्ड है, हाइट रीच आप सब अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो जो आपको एडजस्ट करना है, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। देन उसके बाद में अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो सॉफ्ट टच मटेरियल और यहाँ पर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा स्लाइड हो जाता है, नीचे थोड़ा सा स्टोरेज है, ग्लव बॉक्स कूलिंग फंक्शन के साथ में आता है, थोड़ा सा स्टोरेज है, स्कोडा यहाँ पर लिखा हुआ है पियानो ब्लैक फिनिश, और ये जो 3D एलिमेंट यहाँ पर यूज़ करा है बहुत प्यारा लगता है डैशबोर्ड पर, ऑटो डिमिंग IRVM, सनरूफ की साइज़ नॉर्मल है, यहाँ पर दो आप लोगों को लैंप मिल जाते हैं LED के अंदर, अगेन इधर आपको वैनिटी मीटर मिलता है बट लाइट वगैरह नहीं मिलती, इधर आपको कार्ड होल्डर मिलता है, दैट्स ऑल, हैंडल बार आपको यहाँ पर भी मिलता है बिकॉज 1.5 लीटर TSI मोटर काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम पंच वगैरह निकाल के देती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, अगेन यहाँ पे आपके पास में वेंटिलेटेड फंक्शन भी है सीट्स के लिए, काफ़ी अच्छा है, वायरलेस चार्जर है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है प्रॉपर डेडिकेटेड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, हैंड ब्रेक है, तो
ये थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ पर होना चाहिए था। अभी टू स्पोक अलॉय व्हील क्या है, स्टेयरिंग व्हील मेरे को बहुत प्यारा लगता है होल्ड करने में, पैडल शिफ्टर्स हैं, वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इधर ऑटोमेटिक ये इधर क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं और 10 इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं। 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट करता है। यहाँ पे 8 इंच का आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका आप व्यू वगैरह चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट फीचर्स तो है वो तो आपको बढ़िया मिल जाते हैं, जो नहीं मिलता है जैसे एडास नहीं मिलता है इसके अंदर, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलते हैं, 360 कैमरा आपको नहीं मिलता है, ये ऐसे फीचर्स जो हैं वो ये गाड़ी मिस करती है थोड़ा सा। हाँ, स्कोडा का साउंड है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन तो डायरेक्ट चला के बात करते हैं कि चलाने में कार कैसी है। ठीक है, सबसे पहले तो अगेन व्यूइंग एंगल गाड़ी का बहुत बढ़िया है, क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है। ORVM IRVM से व्यू डिसेंट मिल जाता है। IRVM में तीनों हेडरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं तो थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। DRVM फंक्शन यहाँ पर होता तो थोड़ा सा और हेल्प हो जाती, बट वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से करेंगे गाड़ी को, ठीक है, एक ही बटन है यहाँ पे, दैट्स ऑल, बाकी यहाँ से जो है वो कुछ नहीं होता है। और बाकी अग्नोमिकली कार सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में। AC टच पैनल के साथ में आता है तो थोड़ा सा कंट्रोल करने में लोगों को लग सकता है कि यार आदत पड़नी में थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 10-15 दिन आप चलाओगे तो फिर आदत पड़ जाएगी, बट हाँ एक बार के लिए आपको ध्यान जो है वो इधर देना ही पड़ता है, ये एक बात है। बाकी इंजन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं आप डायरेक्ट, तो अगेन परफॉर्मेंस गाड़ी का बहुत ही कमाल का है, सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कार मैं आपको बोल सकता हूँ इस गियरबॉक्स और इस इंजन ऑप्शन के साथ में। ये है 1.5 लीटर इंजन DHD गियरबॉक्स, आप इसको मैनुअल में भी ले सकते हो, 1 लीटर ऑप्शन में भी ले सकते हो, मैट एडिशन अगर आपको परचेज करना है तो। इसके ऊपर मोंटे कार्लो आता है, वो और दिखने में काफ़ी कमाल का लगता है, बट अगर मैट एडिशन चाहिए तो फिर अगर लाइक मैट कलर चाहिए तो मैट एडिशन परचेज करना पड़ेगा, वो भी अगर आप लकी हो तो मिल जाए शायद, अदरवाइज क्या पता ख़त्म भी हो गया हो, ये एक बात है। और ये जो इंजन है 150 हॉर्स पावर जनरेट करता है, 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मिड रेंज लो एंड काफ़ी कम माल का मिलता है, टॉप एंड तक भी मतलब अच्छा रैव जो है रैव बैंड इसके अंदर रखता है ये, और मज़ा आता है। लेकिन ये रैव हैप्पी इंजन है और टॉप स्पीड इसके अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर की है, बट स्टिल आप 120 के आसपास ही चलाओ, बिकॉज जो इंडिया में लिमिट है उस पे चलाएंगे तो बढ़िया है। अभी ये रोड पूरा खाली है, बंद है, मतलब लाइक इसको ऑन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर मैं टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ गाड़ी को। तो टू सिलेंडर मोड भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, होता ये 4 सिलेंडर है टोटल इंजन के अंदर। अगर मैं अभी जैसे आराम से चला रहा हूँ तो गाड़ी के 2 सिलेंडर बंद हो गए, उससे माइलेज जो है वो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया दे देती है। और लाइक अगर कंपनी की बात करूँ तो 18.6 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर माइलेज, रियल लाइफ माइलेज आपको सिटी में 10-11 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिलेगा, और हाइवे पे अगर आप चलाओगे तो 13-14 के आसपास का ही माइलेज देगी। बट अगेन अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हो तो माइलेज आप 15 से भी ज़्यादा जो है वो इस गाड़ी से निकाल सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको गाड़ी के अंदर कैसा माइलेज निकालना है। तो अगर आप अच्छा माइलेज निकालना चाहें तो आप थोड़ा सा आराम से चलाएं, बट अगर आपको है कि यार हमने तो पैसा खर्च करा है हमको तो भगानी है, तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप थोड़ा सा पेट्रोल भी फिर एक्स्ट्रा खर्च करेंगे और आपकी गाड़ी भागेगी, माइलेज थोड़ा सा कम देगी, दैट्स ऑल। ये सभी चीज़ें हैं और बाकी आई डोंट थिंक कि और कोई चीज़ ऐसी है जो लाइक आप लोगों को लगेगा थोड़ा सा, बस फैक्टर माइलेज का थोड़ा सा हो सकता है। अदर देन अगर बात करूं मैं कि ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं, तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, अगेन ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क होते तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होती, बट नो डाउट अभी भी ब्रेक्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग बाइट जो है वो ये गाड़ी देती है आपको। गियरबॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग जो है ये देता है, लाइक अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट सब अच्छा आता है, बट हल्का सा लैग जो है वो आपको फील होगा, मतलब थोड़ा सा लैग ऐसा फील होगा कभी कभी, जैसे अगर सपोज आपने एकदम से क्विक एक्सेलरेशन मांगा तो मिली सेकेंड का लैग जो है वो यहाँ पर आपको फील होता है, चाहे आप स्पोर्ट्स मोड में हो या आप ड्राइव मोड में हो। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा लैग कम हो जाता है, बट अगेन ड्राइव में तो वो फील होता ही है, ये थोड़ा सा रहेगा, बट अगेन वो इतना बड़ा लैग नहीं है कि वो इशू है, वो नॉर्मल ही है और वो मैनेजेबल है, आप आराम से उसके ऊपर जो है वो रिलाय कर सकते हो, काम कर सकते हो, आपका काम जो है वो आराम से बन सकता है, ये एक सीन है। फिर उसके बाद में स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो कमाल का है, नेक्स्ट लेवल, लाइक बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग का फीडबैक जो है वो आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिलता है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट फन टू ड्राइव कार जो है मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है, काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में, काफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं इसको चलाने में, तो वो एक बात जो है वो मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगती है कि हाँ यार चलो चलाते हैं, मज़ा आ रहा है और फील है इस गाड़ी के अंदर चलाने की। अब मैं यू टर्न लेता हूँ, अगेन मेरे को पता ही था रास्ता बंद है, अब ये टर्निंग रेडियस जो है वो भी डिसेंट है गाड़ी का, कम जगह पे टर्न हो जाती है, ज़्यादा ऐसे जगह डिमांड नहीं करती है, और
उसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है, जैसे म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो स्कोडा का म्यूजिक सिस्टम है, डिसेंट साउंड आपको देता है, ना बहुत ज़्यादा एकदम बेस वेस अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा कम है, मतलब एक लेवल पे ऐसा है कि अगर आपको नहीं भी मॉडिफाई करवाना पड़ा तो आपका काम तो जो है वो बन जाएगा। तो डिसेंट साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर स्कोडा की तरफ से स्कोडा साउंड सिस्टम मिल जाता है, ये एक बात है। एसी के जो लाइक कूलिंग है वो 1.5 लीटर इंजन के साथ में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे आप सिटी में चल रहे हो या हाईवे पे चल रहे हो। हाँ, 1 लीटर वाले में सिटी में थोड़ा सा वो कट ऑफ करता है माइलेज को लेके, तो बार बार अल्टरनेटर बंद चालू जो है वो होता रहता है, वो चीज़ मैंने भी फील करी थी। बट 1.5 में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने इसको बहुत चला लिया सिटी में और कहीं कोई परेशानी इतने दिनों में मेरे को आई नहीं कि एसी का। और खैर अभी तो ठंड भी है, बट स्टिल मैं टेस्ट कर रहा था कि यार कैसी कूलिंग वगैरह कर रहा है, कट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क जो है वो कर रही है, दिक्कत जो है वो नहीं आएगी आपको कूलिंग वूलिंग से रिलेटेड। और आपको एक बार मैं 0 to 100 भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि यार ये जो गाड़ी है परफॉर्मेंस के लिए है, और जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो 0 to 100 बनता ही है फॉर श्योर। अभी यहाँ पे क्या है कि लोग थोड़े अंदर आ जाते हैं, अभी जैसे साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चलाने आए हुए हैं, थोड़ा सा अपन सेफर जोन में चले जाते हैं, उसके बाद ही टेस्ट करें तो बेटर है अपने लिए भी और इन लोगों के लिए भी, सेफ्टी के लिए बेस्ट है, अपना तो ऐसा मानना है। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि खाली जगह देख के एकदम एक्साइटेड मत हो, अब ये ऊपर थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन है तो गलत हो जाएगा गाड़ी के साथ में, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के करके दे देते हैं। बाकी यार मज़ा तो आता है इस गाड़ी को चलाने में, मतलब कहीं पे भी लेके जाओ का फटाफट से इधर उधर निकल जाती है, क्या हैंडलिंग है, मैनेबिलिटी है, फीडबैक गाड़ी का ऑन द स्पॉट, लाइक इतना से स्टेयरिंग इधर उधर करने पे काफ़ी कमाल की फीडबैक जो है वो आती है, मतलब ऑन द स्पॉट पॉइंट होने लग जाती है, जैसे इधर करी तो इधर, इधर करी तो इधर, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है गाड़ी के अंदर आप जब चलाते हो कार को। तो स्पोर्ट्स मोड, और ये 90 और 100 क्या ही बोलूँ मैं, लाइक 100 करना तो इस कार के लिए बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान है, वही बात है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं आपको कर देता हूँ। जैसे सपोज अभी आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है, और गाड़ी के अंदर ऑलरेडी 7 गियर्स डल चुका है, 110 पे मैं चल रहा हूँ, कार के RPM 2000 के आसपास रहते हैं, ठीक है, और अगर सपोज मैं स्पीड थोड़ी कम करता हूँ, 100 के आसपास कर देता हूँ, ठीक, अब मैं 100 पे अगर चल रहा हूँ तो वही 1900 के आसपास RPM जो है वो गाड़ी के रहते हैं, तो RPM जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। और अगर सपोज मैं 100 पे चल रहा हूँ तो कितना माइलेज कार बता रही है, 13 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है वो माइलेज बता रही है। तो यही सभी चीज़ें हैं, और अगेन कार जो है वो आप परचेज कर सकते हो अगर आप चलाने का शौक रखते हैं, तो कि कार चलाने का मज़ा है, फीचर हमको नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी का जो है वो पूरा मज़ा लोगे। बट अगर आपको है कि ऐसा यार गाड़ी चलानी नहीं है मेरे को, तो मतलब लाइक कभी ड्राइवर से भी चलानी है, मेरे घर में सब चलाते हैं, हमको फीचर सारे चाहिए, बच्चे बच्चे हैं, फिर आपको दूसरा क्रेटा सेल्टोस वगैरह वो देखना पड़ेगा। और अगेन अभी मैं कल जा रहा हूँ नई वाली क्रेटा चलाने जोधपुर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आप लोगों को उसकी भी वीडियोस जो है वो देखने मिल जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस ड्राइव सेफ, राइड सेफ।